जी बेटा आवाज आ रही है? नौशीन आवाज आ रही है? जी व्हाट योर इवनिंग? जी नौशीन आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो जी, जी आवाज आ रही है जी? आज का हमारा टॉपिक, आज का बेटा हमारा जो लेक्चर है, लेवल लेक्चर है, आज इसे हम डिस्कस करेंगे। एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल्स दैट इंक्लूड इन पेशेंट आउट पेशेंट कंट्रोल ड्रग्स ऑफ आर्स। जी नौशीन शब्बीर आवाज आ रही है बेटा मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हॉस्पिटल फार्मेसी, व्हाट इज हॉस्पिटल फार्मेसी? द डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल विच इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट विच डील्स विद द प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग पैकिंग स्टोरेज कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड हॉस्पिटल फार्मेसी। यानी सिंपल अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करें बेटा, तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल के वो डिपार्टमेंट या सर्विस है जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट के अंडर जो है वो वर्क कर रहा होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर हम देखें तो किन चीज़ों को डील करता है हॉस्पिटल फार्मेसी? डील विद दी प्रोक्योरमेंट यानी परचेजिंग है ड्रग्स की, मैन्युफैक्चरिंग है, अगर इन हाउस प्रिपरेशन हो रही है बेटा हॉस्पिटल्स में तो उसकी इन हाउस प्रिपरेशन है, डिफरेंट टेस्टिंग वगैरह अगर इन हाउस प्रिपरेशन हो रही होती है तो उसके साथ हमें डिफरेंट टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं क्यूसी में। इसके अलावा उसकी पैकिंग है, स्टोरेज है, उसकी डिफरेंट स्टोरेज के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे होते हैं, कंपाउंडिंग है एक्सटेम्पोरेनियस, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग हम कर रहे होते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पेंसिंग है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग को पेशेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड हॉस्पिटल फार्मेसी। आगे चलते हैं बेटा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, व्हाट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? द सप्लाई डिलीवरी एंड ट्रांजिटरी स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट पेशेंट केयर एरियाज अदर देन मेन हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर सब्सिक्वेंट पेशेंट यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर हम सिंपल कहें कि डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो सिंपल जो जितने भी फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, मेडिसिन हैं, अलाइड आइटम्स हैं, उनके जो हम सप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट पेशेंट केयर एरियाज में, इट इज कॉल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सब्सिक्वेंट पेशेंट यूटिलाइजेशन। और एट द एंड वो उसका यूटिलाइजेशन कौन कर रहा होता है? पेशेंट। इट इज प्राइमरी और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नर्सिंग यूनिट फॉर पेशेंट यूज। ड्रग्स अगर हम ये कहते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? हॉस्पिटल फार्मेसी की। द ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नर्सिंग यूनिट फॉर पेशेंट यूज। और फिर हॉस्पिटल फार्मेसी से वो नर्सिंग यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं फॉर सब्सिक्वेंट पेशेंट यूटिलाइजेशन के लिए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं बेटा? ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर बाय फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यूनिट डोज सिस्टम। अगर हम देखें तो जो दो मेन हमारे पास सिस्टम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के, वो है हमारे पास फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड यूनिट डोज सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम इट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड इन्वॉल्व सेपरेट स्टोरेज एरिया एंड सिक्योर एरिया ऑन ईच पेशेंट केयर फ्लोर।
बेटा एज द नेम इंडिकेट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यानी डिफरेंट पे जो फ्लोर होते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हॉस्पिटल का जितना कवर्ड एरिया होता है और डिफरेंट टाइप्स के नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हिसाब से हॉस्पिटल के डिफरेंट फ्लोर्स एरिया या डिफरेंट डिपार्टमेंट पेशेंट्स के बना दिए जाते हैं, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जहाँ पे जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ड्रग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वहाँ पे वो स्टोर होती है और उस और अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड उसे वहाँ से टाइम टू टाइम ट्रांसफर किया जाता है या सप्लाई किया जाता है। आगे चलते हैं, सेकेंड मैथड जो हमारे पास था यूनिट डोज सिस्टम। द यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज लार्जली रिप्लेस्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम सिंस दिस सिस्टम रिड्यूसेस मेडिकेशन एरर्स। ये कह रहे हैं कि यूनिट डोज सिस्टम जो है वो लार्जली रिप्लेस्ड कर दिया गया है फ्लोर स्टॉक, यानी फ्लोर स्टॉक की जगह यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, बिकॉज दिस सिस्टम रिड्यूसेस द मेडिकेशन एरर्स। यानी अगर हम यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल में तो जो मेडिकेशन एरर्स के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। द आईवी एडमिक्सचर प्रोग्राम इज आल्सो कैरीड आउट अंडर दिस सिस्टम बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम फॉर एवरी पेशेंट। अगर हम बेटा आईवी एडमिक्सचर प्रोग्राम की बात करें जिसमें हमने हाइपर एलिमेंटेशन वगैरह पढ़ा था, तो उस आईवी एडमिक्सचर प्रोग्राम जो होता है वो भी अंडर यूनिट डोज सिस्टम के अंदर आता है, बिकॉज इट वेरीज फॉर एवरी पेशेंट। क्योंकि आईवी एडमिक्सचर जो होता है, जो भी आईवी जो नीड होती है पेशेंट की, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होती है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है वो आईवी एडमिक्सचर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिट डोज सिस्टम के अंदर आईवी एडमिक्सचर प्रोग्राम भी इंक्लूड होता है। जी तस्मीना, जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? तस्मीना कहाँ थी भाई? मैम वो अभी बिल्कुल लाइट आई है। अच्छा, आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? ठीक है मैम। मेथड दो डिस्पेंसिंग, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के अभी हमने जो दो मेथड बताए बेटा, फ्लोर स्टॉक जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम या डिस्पेंसिंग का है, उसमें हमारे पास फ्लोर स्टॉक है और यूनिट डोज है। अब यूनिट डोज में हमारे पास कौन कौन से मेथड आ रहे होते हैं? सेंट्रलाइज यूनिट डोज drug distribution system, drugs are dispensed in unit doses are stored in central area of the pharmacy and dispense at the time the dose is due to be given to the patient। yani centralized unit dose distribution system mein ye keh rahe hain ki unit doses jo hoti hain wo store hoti hai ek central area pharmacy ka, jahan se wo dispense kar ki jati hain time to time according to patient ke jab due ho jati hai wo dose। Drugs are transferred from the pharmacy to the indoor patient by medication carts. Different medication carts होते हैं जिसके according जो है वो जिसके through drug transfer कर दी जाती है centralized area से patient के requirement के according उस department में। Centralized unit dose dispensing, यहाँ पे हमने देखे कि एक centralized area है hospital pharmacy का, जहाँ पर जो है जहां से जो होती है वो डिस्पेंस की जाती है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। उसके बाद आ रहा है सेकंड जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है हमारे पास। दिस ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। यानी कि आपने पढ़ा था कि बेटा अगर बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो वहां पर अगर इजी नहीं होता, यानी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ज्यादा हैं वहां पर, नंबर ऑफ फ्लोर ज्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट जाहिर है ज्यादा होते हैं, तभी जो होते हैं वो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल में बन जाते हैं या डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं। तो जहाँ पर हम कहते हैं कि अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और सिंगल उनकी जो मेन फार्मेसी है उसके थ्रू अगर मैनेज नहीं कर सकते डिस्पेंसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके थ्रू क्या उसके लिए क्या किया जाता है कि सेटेलाइट फार्मेसीज या सब फार्मेसीज, यानी मेन फार्मेसी से वो कनेक्टेड होती हैं और उसे हम कहते हैं सैटेलाइट फार्मेसीज। तो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट में क्या होता है कि सैटेलाइट फार्मेसीज जो कि डिपार्टमेंट के साथ सिचुएटेड होती हैं या लोकेटेड होती हैं, वहां से जो होती हैं वो ड्रग
डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट, क्योंकि हर फ्लोर या हर डिपार्टमेंट के साथ एक सेटेलाइट फार्मेसी मौजूद होती है या सब फार्मेसी मौजूद होती है। सबसे पहले हम आते हैं डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। इन पेशेंट्स आर दोज पेशेंट हु रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, दैट इज गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, स्टे देयर रिक्वायर्स एट लीस्ट वन ओवर नाइट स्टे और मोर देन 24 आवर्स। ये कह रहे हैं कि डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट, सबसे पहले तो इन पेशेंट क्या है, वो पेशेंट जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है जो कि मिनिमम 24 आवर्स स्टे करते हैं और ओवरनाइट स्टे करते हैं हॉस्पिटल में, तो उन्हें हम कहते हैं इन पेशेंट। और उन पेशेंट को जो ड्रग हम डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। ठीक है, देयर आर 4 सिस्टम्स इन जनरल यूज फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग्स फॉर इन पेशेंट, दे मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अगर हम डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट सिस्टम मौजूद होते हैं फॉर डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। दे मे बी क्लासिफाइड एज, कौन कौन से हमारे पास, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, कम्प्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इन द लास्ट वन इज यूनिट डोज सिस्टम। यानी ये 4 डिफरेंट सिस्टम है जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट के लिए। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम वेयर द फिजिशियन राइट्स द प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम। यानी इंडिविजुअली जो है सिंगल प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो डिस्पेंस किए जा रहे होते हैं वन बाय वन, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मेसिस्ट। यानी एक एक प्रिस्क्रिप्शन वो फिजिशियन या जो भी प्रिस्क्राइबर है वो उसे लिख रहा होता है और उसे वन बाय वन जो होता है वो जो फार्मेसिस्ट होता है वहाँ पर उसे रिव्यू कर रहा होता है डायरेक्टली। इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ फार्मेसिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट। और एक ये एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है फार्मेसिस्ट, डॉक्टर, नर्सेज और पेशेंट के दरमियान। इट प्रोवाइड्स क्लियर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि ये इंडिविजुअली डिस्पेंस हो रही होती हैं तो इन्वेंट्री की मेंटेनेंस भी प्रॉपर हो रही होती है। आगे चलते हैं, सेकेंड मेथड जो है हमारे पास इन पेशेंट डिस्पेंसिंग में बेटा वो है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट थ्रू द नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। नर्सिंग स्टेशन के थ्रू इस सिस्टम में क्या होता है कि नर्सिंग स्टेशन के थ्रू जो होती है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है पेशेंट को, और इट इज को हमने मजीद डिवाइड किया है इसमें चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। यानी कि ड्रग स्टोर से वो नर्सिंग स्टेशन में जाती है और नर्सिंग स्टेशन के बाद वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जहाँ भी इसको जरूरत होती है वहाँ पर स्टोर की जाती है। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आपके पास आ रही हैं। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स कौन सी हैं, मेडिसिंस व्हिच आर स्टॉक्ड ऑन द नर्सिंग स्टेशन एट ऑल टाइम्स एंड चार्ज टू द पेशेंट अकाउंट आफ्टर दे हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू देम। यानी कह रहे हैं कि चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स वो होती हैं, यानी वो ड्रग्स जैसे ही वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दी जाती हैं वो पेशेंट के अकाउंट से उसका चार्ज अमाउंट उसका जो है ले लिया जाता है, डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं पेशेंट के अकाउंट से। डिस्पेंसिंग ऑफ फ्लोर स्टॉक ड्रग्स में आपके पास क्या जाएगा, दीज मेडिकेशंस आर अप्रूव्ड बाय फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ड्रग ऑर्डर्स फॉर्म्स प्रीपेयर्ड ऑन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट स्नैप्स आउट फॉर्म्स। और ये जो होते हैं जो ड्रग्स डिस्पेंस की जा रही है इसके जो ऑर्डर होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट फॉर्म की शक्ल में, यानी कि कार्बन कॉपी उसकी निकल रही होती है। ओरिजिनल फॉरवर्डेड टू फार्मेसी, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो फार्मेसी को फॉरवर्ड कर दी जाती है। सेकेंड कॉपी यूटिलाइज इन बिलिंग प्रोसीजर, उसकी जो सेकेंड कॉपी होगी वो बिलिंग प्रोसीजर के लिए सबमिट की जाएगी। एंड थर्ड कॉपी फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, और उसकी जो थर्ड कॉपी है जो यहाँ पे ये कह रहे हैं डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट की फॉर्म में होगी, उसकी थर्ड कॉपी जो होती है वो अकाउंट सेक्शन में सबमिट हो जाती है
फॉर इंटरनल ऑडिट पर्पस. कभी भी ऑडिट अगर हो रहा है कि कितने इन पेशेंट में कितनी ड्रग्स जो हैं वो चार फ्लोर स्टॉक में आ रही थी और कितनी कॉस्ट है, तो उसके लिए वो अकाउंट डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएंगी. Another system for charging is envelope system, where pharmacists fill pre-labeled envelope with specific drugs and places pre-determined quantity on nursing unit. यानी ये कह रहे हैं, एक तो ये उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक एक उसका फॉर्म होता है जिसपे वो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग डिस्पेंस की जा रही होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. और इसके अलावा सेकेंड मैथड जो होता है इनवेलप सिस्टम, डिफरेंट प्री फिल्ड ये कह रहे हैं प्री लेबल्ड जो होते हैं वो इनवेलप यूज किए जा रहे हैं विद स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए. कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जिनके लिए जो है प्री लेबल्ड इनवेलप यूज किए जाते हैं. तो ये दो हमारे पास मैथड है जिसमें हम चार फ्लोर ड्रग स्टॉक ड्रग्स को हम डिस्पेंस करते हैं. आगे चलते हैं, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या है. वो तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम था. नॉन चार्ज फ्लोर के नॉन चार्ज मतलब ये नहीं है बेटा कि उसका अमाउंट ही आप नहीं ले रहे हैं, पेशेंट नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है. ये क्या होती है, दीज मेडिकेशंस आर प्लेस्ड एट नर्सिंग यूनिट और स्टेशन फॉर यूज इन इन पेशेंट केयर एरिया विदाउट डायरेक्ट चार्जिंग टू पेशेंट अकाउंट. ये कह रहे हैं कि वो ड्रग्स जो कि डायरेक्ट पेशेंट के अकाउंट से, ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्टर की और उसका एक बिल जो होता है उसके अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि क्या होता है बट कॉस्टिंग इन द पर डे कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल रूम. यानी जो पर डे के हिसाब से टोटल कॉस्ट आ रही होती है किसी भी पेशेंट के लिए, उसमें जो है वो ऐड कर दी जाती है. क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक. जो पर डे की कॉस्ट आती है उसमें उस ड्रग की चार्जिंग को ऐड कर दिया जाता है. और चार्ज में क्या होता है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में, जैसे ड्रग एडमिनिस्टर होगी उसका बिल उसके अकाउंट में चला जाएगा और उस अकाउंट से जो होते हैं वो पैसे उसके जो वहां से आप ले लेते हैं. नॉन चार्ज की अगर हम बात करें, दीज ड्रग देयर शैल बी नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम पेशेंट अकाउंट. ठीक है, यही मैंने बताया कि डायरेक्ट पेशेंट के अकाउंट से हम नहीं ले रहे होते इसका इसकी चार्जिंग या इसका अमाउंट या इसकी कॉस्ट, बल्कि पर डे कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल में उसका ऐड कर दिया जाता है. इट इज डिवाइडेड इन टू मैथड्स. अगर नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक की हम बात करें कि दो मैथड है इसके, ड्रग बास्केट मैथड एंड मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट. ड्रग बास्केट मेथड क्या है, नर्स फिल अ रिक्विजिशन फॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एट देयर फ्लोर. यानी नर्सेज जो होती हैं जो भी रिक्विजिशन फॉर्म आ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर रही होती हैं. व्हेन देयर इज एन एम्प्टी कंटेनर द नर्स प्लेस इट इन द ड्रग बास्केट. वंस द बास्केट इज कंप्लीटेड इट डिलीवर टू द फ्लोर वाया मैसेंजर सर्विस, ऑल्टरनेटिवली मोबाइल डिस्पेंसरी मे बी यूटिलाइज. अब चाहे हम बेटा ड्रग बास्केट की हम बात करें या मोबाइल डिस्पेंसरी की हम बात करें, इसके लिए रिक्विजिशन फॉर्म होते हैं जिसे फिल करने के बाद जो होता है उसमें जब एम्प्टी कंटेनर हो जाता है तो उस फ्लोर पर जितनी भी ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उस बास्केट को फिल कर दिया जाता है. और जब वो बास्केट कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट फिल हो जाती है, तो वाया मैसेंजर सर्विस उसे डिलीवर कर दिया जाता है उस फ्लोर पर. जहां पर ड्रग बास्केट मेथड यूज नहीं हो रहा वहां पर मोबाइल डिस्पेंसरी यूज हो रहा होता है. ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं बेटा कि ये मोबाइल डिस्पेंसरी एज सच सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे इस पिक्चर में भी, ये जो है ड्रग बास्केट है, बास्केट टाइप की स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, और इसी तरह मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट भी यही होता है. आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम. ये क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम. इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्पेंसिंग is individual order system but also utilize a limited floor stock. Nowadays this type of dispensing method is used in majority of hospitals. yani agar hum third system ki beta hum baat kar rahe hain to ye combination hai individual, pehla aapne padha individual dose tha aur second jo tha floor stock tha. fir floor stock mein mazid jo humne divide kar diya tha charge aur non charge, fir charge ko bhi mazid humne divide kiya, non charge ko bhi divide kiya. अब हम थर्ड मेथड की तरफ आते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक. सम हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो दोनों मेथड यूज कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल ड्रग सिस्टम भी, ऑर्डर सिस्टम भी यूज हो रहा होता है, और फ्लोर स्टॉक यानी मेजॉरिटी वो जो यूज कर रहे होते हैं डिस्पेंसिंग का मेथड वो इंडिविजुअल ऑर्डर सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, बट सम टाइम जो होता है फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी यूज कर रहे होते हैं.
तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। और मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल जो होते हैं आजकल ये वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी वो दोनों मेथड एडॉप्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड वो दोनों मेथड यूज कर रहे होते हैं। जहां पर इंडिविजुअल ऑर्डर सिस्टम की जरूरत होती है वो वहां पर इंडिविजुअल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, या मेजॉरिटी में हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी पेशेंट के लिए डिस्पेंसिंग के लिए इंडिविजुअल ऑर्डर सिस्टम, और माइनर जो है वो लिमिटेड फ्लोर स्टॉक सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं बेटा, जो फोर्थ मेथड यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दोज मेडिकेशंस व्हिच आर ऑर्डर्ड पैक्ड एंड हैंडल्ड एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज इन मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज यूनिट्स containing a predetermined amount of drug or supply sufficient for one regular dose. A single unit package is one which contains one complete pharmaceutical dosage form, for example one tablet, one capsule. yani one dose ye keh rahe hain unit dose distribution system mein individually jo hote hain wo dose pack hoti hai, सिंगल डोज जो होती है चाहे उसमें वन टैबलेट है वन कैप्सूल चाहे, तो वो इंडिविजुअली जो होते हैं बेटा वो पैक होते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारे पास बेटा अभी जो हमने ये वाइंड अप किया ये डिस्पेंसिंग टू हमारे पास था इन पेशेंट। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। आउट पेशेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास है इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी, और सेकेंड मेथड जो है इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी। इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी मीन्स के वो डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहे होंगे इंडिपेंडेंट, और वहां पर सिर्फ आउट पेशेंट की ही ड्रग डिस्पेंसिंग हो रही होगी। नंबर वन मेथड तो इन्होंने कह दिया। सेकंड में जो रहा है इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी, यानी या तो उन्होंने एक सेपरेट फार्मेसी कर दी है उसमें जहां पर सिर्फ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग हो रही है, या उन्होंने ये क्या होता है कि इन एंड आउट कंबाइंड वो फार्मेसी बना लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल का कवर्ड एरिया बेटा कितना है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं, कितने पेशेंट है, कितनी वहाँ पे डिस्पेंसिंग हो रही है उस हॉस्पिटल की नीड के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग या वो तो इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी यूज करते हैं या कंबाइंड फार्मेसी यूज करते हैं। अच्छा, कंबाइंड में भी फिर ये कह रहे हैं कंबाइंड फार्मेसी विद वन विंडो एंड सेकेंड मैथड जो है वो कंबाइंड फार्मेसी विद सेपरेट विंडो, यानी कि अगर तो वो कंबाइंड यूज कर रहे हैं फार्मेसी तो उसमें वन विंडो भी हो सकती है, यानी एक ही फार्मेसी है इन एंड आउट पेशेंट का और एक ही विंडो बनाया गया है, उसी एक विंडो से इन पेशेंट और जो उनके आउट पेशेंट है दोनों को वहां से डिस्पेंस कर रहे होते हैं। या फिर ये करते हैं कि कंबाइंड फार्मेसी तो होती है विंडो सेपरेट कर देते हैं, एक विंडो अगर उन्होंने लेफ्ट बनाई है एक राइट पे बना देंगे और एक इन पेशेंट के लिए होगी और एक आउट पेशेंट के लिए, इसीलिए कहते हैं कंबाइंड फार्मेसी विद सेपरेट विंडो। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ सेपरेट आउट पेशेंट फार्मेसी। व्हेन दिस इज नॉट पॉसिबल यूनिट्स आर कंबाइंड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेम और सेपरेट विंडो। ये कह रहे हैं वैसे तो प्रेफरेबल ये होता है, ये ज्यादा सूटेबल होता है कि आउट पेशेंट फार्मेसी सेपरेट कर दी जाए, लेकिन जहाँ पे फिजिबल नहीं है यानी उनका कवर्ड एरिया उनके पास इतना नहीं है या इतनी ज्यादा डिस्पेंसिंग नहीं हो रही है उस हॉस्पिटल में, नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज्यादा नहीं है कि इन एंड आउट को सेपरेट किया है, तो वहां पर वो क्या करते हैं कि इन एंड आउट कंबाइंड फार्मेसी बना देते हैं, और उसके लिए कह रहे हैं कि यूनिट्स आर कंबाइंड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, जहाँ पर यूनिट कंबाइन कर देते हैं और सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है वो सेम विंडो से भी कर सकते हैं और सेपरेट विंडो से। तो ये हमारा था डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। अब हम आ रहे हैं डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। द डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम फार्मेसी फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज दैट ऑफ यूज्ड फॉर अदर ड्रग्स बट रिक्वायर्स मोर एस्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स। जी राहत अली, आप बताइए बेटा क्या है ये कंट्रोल ड्रग्स, क्या क्या समझ में आया? रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा आप सुन चुके हैं, इसके अलावा जो है इसकी पावर पॉइंट भी मैंने अपलोड की हुई है। बताएं राहत, आप बताइए राहत अली क्या समझ में आया डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस से? जी आवाज आ रही है मेरी? व्हाट योर इवनिंग? जी बेटा। यस मैम आ रही है। बताएं डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिए आप लोगों ने सारे मेरे?
जितने भी हैं न्यूमेरिकल वगैरह देखे बेटा अभी तक आप लोगों ने? नहीं देखे जी? नहीं मैम अभी नहीं देखे। क्यों नहीं देख रहे हो भाई ये बताओ मुझे, क्या करोगे? कितने दिन रह गए फर्स्ट फैब से? इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी खुल जाएगी और फिर अब आप लोगों को पता है आपको कोर्स भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैम अभी असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, सबके असाइनमेंट सबमिट करने हैं, इस वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा। अब क्या करें, अब तो मैं एक टेस्ट और लेने वाली हूँ। इरादा है देने का तुम लोगों का? क्या चाह रहे हो, एक टेस्ट और? मैम इरादा तो है, न्यूमेरिकल का टेस्ट ले लूं एक? मैंने मैम कब लेंगे आप? बेटा दो लेक्चर्स में मैंने जो है ना वो, या तो अगर तो फर्स्ट फैब से खुल रही है इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं जो ना फिजिकली ले लूंगी तुम लोगों को, ठीक है? और अगर नहीं खुलती है तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, इंशाल्लाह खुल जाएगी या तो फिर यूनिवर्सिटी खुलने के बाद लेंगे, ठीक है? चले हम चलते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। ये कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के लिए जो डिस्पेंसिंग के मेथड है वो एज सच जो डिफरेंट ड्रग्स अदर ड्रग्स हैं वही होते हैं, वही मेथड हम यूज कर रहे होते हैं, बट रिक्वायर मोर स्पेसिफिक और स्ट्रिंजेंट कंट्रोल हमें चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल उन ड्रग्स के लिए हमें चाहिए। मेथड वही यूज कर रहे होते हैं जो डिफरेंट हमने अभी आपने इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए हमने पढ़े, वही मेथड हम डिस्पेंसिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स की जरूरत होती है ताकि ड्रग का अब्यूज ना हो, मिस यूज ना हो। अब मोर स्ट्रिक्ट देखें आगे ये यही कह रहे हैं, अ मोर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नीडेड बिकॉज स्टॉकिंग हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ड्रग्स हैव द रिस्क ऑफ ड्रग अब्यूज। कि अगर आप उसके जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होगा, चाहे उसकी स्टॉकिंग कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उसमें चांसेस हैं ड्रग अब्यूज के, ठीक है? डिस्पेंसिंग ऑफ वॉट सप्लाई टू पेशेंट्स, डिस्पेंसिंग टू एम्प्लॉयज, डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स फॉर होम यूज ड्यूरिंग फार्मेसी ऑफ आवर्स। ये कह रहे हैं कि डिस्पेंसिंग ऑफ वॉट सप्लाई टू पेशेंट, यानी कि जो डिस्पेंसिंग हो रही है पेशेंट के लिए वो वॉट के लिए हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि वो पेशेंट वो मेडिसिन घर ले जाए और घर पे यूज करें, ऐसा सच नहीं है। हाँ एमरजेंसी कंडीशन में ऐसा होता है कि वो जो डिस्पेंस हो रही है बिकॉज ऑफ एनी एमरजेंसी वो घर पे लेके जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा डिस्पेंसिंग टू एम्प्लॉयज, वो जो हॉस्पिटल में जो डिस्पेंसिंग हो रही है कंट्रोल ड्रग्स की, वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं उसके लिए नहीं होती कि वहाँ के एम्प्लॉयज भी ऐसा सच उसे यूज करना शुरू कर दें, ठीक है? जो वो पेशेंट एडमिटेड पेशेंट होते हैं उनके लिए डिस्पेंसिंग हो रही है कंट्रोल सब्सटेंसेस की। Dispensing of controlled drugs for home use during pharmacy off hours. अगर controlled substances की dispensing off hours में हो रही है तो वो फिर उसे घर पे use कर सकते हैं। Off hours pharmacy का क्या मतलब है जी बेटा, कौन बताएगा? जी अरीबा आप बताएंगी, कौन बताएगा off hours dispensing क्या होती है? मैम जी कौन बताएगा? मैम जब फार्मेसी क्लोज हो चुकी है। जोर से बोलो बेटा, आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है मुझे, जोर से बोलो जरा। मैम जब फार्मेसी बंद हो चुकी होती है तो उसके बाद अगर कोई पेशेंट होता है तो फिर उसको हम थ्रू कॉल या फिर कॉल करके जो गाइड करते हैं वो, ठीक है? ठीक है हाँ गुड जी। ऑफ आवर्स फार्मेसी का मतलब बेटा ये होता है ड्यूरिंग फार्मेसी ऑफ आवर्स के बहुत से ऐसे हॉस्पिटल होते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हो सकता है कि वो 24 आवर्स फार्मेसी ओपन ना हो, ठीक है? तो उस टाइम जो डिस्पेंसिंग हो रही होती है उसे हम कहते हैं ऑफ आवर्स डिस्पेंसिंग। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? अच्छा अब ये आ गए Dispensing of controlled substances, okay? अब ये कह रहे हैं क्या है off hours dispensing. The dispensing of medication when the pharmacy is closed is called dispensing during off hours. When pharmacy services are not available 24 hours, then various strategies are being followed. Pharmacy and therapeutic committee or equivalent committee existing at hospital makes policies and procedure. It allows and specifies the personnel having approach to pharmacy. ठीक है? अच्छा कौन कौन से हमारे पास, ये कह रहे हैं कि अगर जो भी हॉस्पिटल है अगर उसकी फार्मेसी 24 आवर्स ओपन नहीं है तो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फार्मेसी जब ड्रग डिस्पेंस की जा रही होती है उसे हम कहते हैं ऑफ आवर्स डिस्पेंसिंग, ठीक है?
इसके लिए फार्मेसी एंड थेरापूटिक कमेटी जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होती है या कोई भी उससे इक्विवेलेंट कमेटी और डिफरेंट कमेटी भी, करंट प्रैक्टिस कमेटी भी मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, वो डिफरेंट कमेटीज जो होती हैं वो हॉस्पिटल के लिए डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो होती है वो ड्यूरिंग और पास डिस्पेंसिंग हो रही होती है। अच्छा, उसमें कौन कौन से हमारे पास हैं जो हमारे यहाँ यूज होते हैं? फार्मासिस्ट ऑन कॉल अगर 24 आवर्स ओपन नहीं है, जाहिर है अगर 12 आवर्स के लिए फार्मेसी ऑफ है, ओपन है और 12 आवर्स के लिए क्लोज है, तो उसमें आप ये मेथड यूज कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट ऑन कॉल हो सकते हैं, कि वो ऑन कॉल फार्मासिस्ट रख रहे होते हैं, वो उनके अपने भी हो सकते हैं या दूसरे जिस अकॉर्डिंग टू उनकी नीड वो चार्ज कर रहे होते हैं वो। अच्छा, यूज ऑफ नर्सिंग सुपरवाइजर्स अगर जो वहाँ पर अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है उनके पास ऑन कॉल, तो जो नर्सेज में जिनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो फास्ट डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी बॉक्सेस एंड नाइट ड्रग कैबिनेट्स, इसके अलावा हॉस्पिटल में जो होते हैं कुछ बॉक्सेस और नाइट कैबिनेट्स बना दिए जाते हैं जिसमें ड्रग जो होती है वो लेबल के साथ और डोज के साथ उन कैबिनेट्स में मौजूद होती है, जो इमरजेंसी कंडीशन में या रात के टाइम जो होते हैं वो उसे बॉक्सेस को या उन कैबिनेट्स को हम यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं इमरजेंसी बॉक्सेस एंड नाइट ड्रग कैबिनेट्स। इसके अलावा एक्सटेंडिंग फार्मेसी सर्विसेज आवर्स, अगर पॉसिबल है कि वो अपने टाइमिंग बढ़ा दें 12 के बजाय वो 24 आवर्स कर दें या 18 आवर्स, तो इस तरह भी एक्सटेंड करके भी फार्मेसी सर्विसेज को हम और फास्ट डिस्पेंसिंग में हम कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्पेंसिंग बाय फिजिशियंस, यानी अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है तो बहुत से हॉस्पिटल में समटाइम ऐसा होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में वहां पर जो फिजिशियंस होते हैं वो खुद डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, द सब्सिक्वेंट पॉलिसीज आर बींग यूज ग्लोबली, यानी कि अगर आप पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड, तो वही हैं जो हमारे यहाँ यूज होते हैं, इसमें भी वही आ रहा है बेटा, फार्मासिस्ट ऑन कॉल, यूज ऑफ नर्सिंग सुपरवाइजर्स, एमरजेंसी जो है बॉक्सेस, नाइट ड्रग कैबिनेट्स, एक्सटेंडिंग फार्मेसी सर्विस आवर्स, डिस्पेंसिंग बाय फिजिशियंस, परचेज सर्विसेज। अच्छा, परचेज सर्विसेज भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ फार्मेसी बंद है और अगर कहीं करीब कोई स्टोर, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं अगर डिस्पेंसिंग की जरूरत है, इमरजेंसी है। इसके अलावा टेली फार्मेसी के थ्रू भी जो होती है डिस्पेंसिंग हो रही होती है। व्हाट इज टेली फार्मेसी? टेली फार्मेसी इज डिफाइंड एज द डिलीवरी ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर वाया टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज टू पेशेंट in locations where they may not have direct contact with a pharmacist according to the National Association of Board of Pharmacy. ये कह रहे हैं कि वो areas जहाँ पर जो है जिनका direct जो patient से contact नहीं हो सकता pharmacist का, या वहाँ पर, तो उनको जो आप डिस्पेंस कर रहे होते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग या डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो होता है वो पेशेंट को डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं ड्रग की। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स थे बेटा जो कि आपने डिस्पेंसिंग के हमने पढ़ा, जिसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड थे? जी जल्दी रिपीट कीजिए। जी बेटा कंटेंट बताएं, कौन बताएगा? नौशीन, नौशीन शब्बीर, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, बताइए कौन कौन से मेथड हमने अभी पढ़े हैं? इनपेशेंट पढ़ा था, आउटपेशेंट पढ़ा था, ठीक है, और वो चार्ज ड्रग, अच्छा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेन मेथड कौन से हैं? चार्ज एंड अरीबा, अरीबा आप बताइए दो मेन हमने, एक तो वो तो हम बाद में लेके चले इनपेशेंट और आउटपेशेंट और कंट्रोल ड्रग्स, ठीक है, और ऑफ आज डिस्पेंसिंग, लेकिन जो दो मेन मेथड हैं हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या ड्रग डिस्पेंसिंग के, वो कौन कौन से हैं? जी मैम, एक यूनिट डोज होता है, ठीक है, और दूसरा वो मल्टीपल डोज होगा या फिर वो सैटेलाइट का चीज होता है? नहीं, राहत आप बताइए, आवाज आ रही है राहत अली? जी राहत, क्या हुआ बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी? अरीबा आप बताएं, ये तस्मीना आप बताइए बेटा, सेकंड मेथड कौन सा था? एक तो यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन जो मेन मेथड, हमने पहले दो मेन मेथड डिस्कस किए, उसके बाद फिर हम इन पेशेंट आउट पेशेंट
कंट्रोल सब्सटेंसेस डिस्पेंसिंग और एट द एंड हम ऑफ आर डिस्पेंसिंग पर गए थे, लेकिन जो दो मेन मैंने सुना ही था यूनिट डोज से, तो मैंने वो बता दिया यूनिट डोज वाला। और दूसरा कौन सा था जी, कौन बताएगा? जी बेटा, फ्लोर स्टॉक। जी गुड, कौन है ये? रीबा, नौशीन जी, नौशीन। अच्छा, वेरी गुड नौशीन। हाँ, ये दो मेन मेथड हैं बेटा हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या ड्रग डिस्पेंसिंग के, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या सेकंड जो हमारे पास फ्लो स्टॉक है। फिर उसको हम इन पेशेंट पे, आउट पेशेंट में, कंट्रोल ड्रग्स पे, ऑफ आवर्स पर लेके हम चलें। अच्छा बेटा, अब जो है ना, अब आप लोगों का ज़्यादा कोर्स नहीं रहा है, थोड़ा सा रह गया है, फिर वो देखें, वो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद फिर आप लोग मुझे, अब ये बताएं, आप लोग आपस में इवनिंग वाले डिस्कस करें कि आप वीक में आपको जितने भी मेरे फोर जो स्लॉट्स दिए गए उन सब में इंटरेक्टिव सेशन लेना है आपको, क्या तमाम लेक्चर्स को मैं जो है लेके चलूँ आप लोगों के साथ ये इंटरेक्टिव सेशन में, या उनमें से कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स हैं जो नहीं समझ में आए हैं? ठीक है, आप इसको डिस्कस कीजिए तस्मीना सुहेल के साथ, और फिर आप मुझे बताइएगा क्या तमाम लेक्चर्स को इंटरेक्टिव सेशन में लेना है, तो फिर नेक्स्ट वीक से मैं सारी क्लासेस लूंगी। अगर आप ये समझते हैं कि कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स हैं जो नहीं समझ में आए हैं, तो उनको फिर मैं लेके चलूंगी। ठीक है बेटा? ठीक है मैम। ठीक है, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।